हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक केवल 885 लोगों ने शस्त्र जमा किए हैं, जबकि कुल शस्त्र धारकों की संख्या 1719 है। वहीं प्रशासन ने ऐसे शस्त्र धारकों के खिलाफ धावा 107-16 के अंतर्गत कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने कहा कि लगातार पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें वांछित लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सी विजिल ऐप पर मिल रही शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपादन कराने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। उसी के क्रम में हल्द्वानी विधानसभा में जो हमारे थाने आते हैं उसमें करीब 1719 टोटल जो आर्म्स धारक हैं, जिसमें से करीब 885 की लगभग कल तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 855 लोगों के खिलाफ यहाँ पर 107-16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 85 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया गया है। साथ ही जो NVW विभिन्न कोर्ट से जारी हुए थे उनके एग्जीक्यूशन पर भी बल दिया जा रहा है। सी विजिल ऐप जो निर्वाचन आयोग ने पूर्व से ही इसको सिटीजन्स के लिए जारी किया है, इसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे शिकायतों का मॉनिटर किया जाता है और उनका डिस्पोजल किया जाता है, और 100 मिनट के अंदर उसमें कार्रवाई करनी होती है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की शिकायत का फोटो, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कंप्लेन की जा सकती है। उसमें हल्द्वानी विधानसभा में अभी 150 के आसपास हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें से 3 ड्रॉप हुई हैं। इसके अलावा सभी शिकायतों को निस्तारित किया गया है।